So what's up everyone, it's a bright sunny day today and I want to talk a bit about money and बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रखे हैं पहले कुंडली के साथ साथ कि सर हाउ फार विल आवर लक टेक अस, हमारी कुंडली के हिसाब से लक कितना पैसा देगा हमें। एंड ये मैं हमेशा कहता हूँ ठीक है पैसा कमाना ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कलयुग में ज़रूरी है, लेकिन पैसे के पीछे भागना एंड मतलब कि केवल पैसे कमाने के पीछे अगर आप भागते रहोगे तो और चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर दोगे, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बहुत पैसे के पीछे भागता था एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था मैं एंड सिविल इंजीनियर हूँ मैं, एंड लोग मेरे पास आते थे, पहले भी आते थे। एंड एक बंदे ने स्टार्ट की, कोल्ड ड्रिंक की फ्रेंचाइजी ली थी, उसकी कोई एनर्जी ड्रिंक थी उसकी फ्रेंचाइजी ली थी। सर ऐसे ऐसे ये हमें इस एरिया में सप्लाई करनी है, लेकिन कोई तो कोल्ड ड्रिंक जो है हमें सप्लाई करनी है, लेकिन कोई दुकान वाला जो है रख नहीं रहा है, तो कैसे करें। मैंने कहा आपने क्या कर रखा है, क्वालिफिकेशन। कह रहे मैं MBA हूँ। अगर MBA में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या सिखाई है, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, मगर डिमांड एंड सप्लाई करनी है ना। कह रहे लेकिन सर चीज़ की डिमांड नहीं है। एंड मैंने जो है पैम्पलेट्स बटवा दी, पोस्टर लगवा दिए, लेकिन डिमांड नहीं हो रही एंड कोई दुकान वाला रख नहीं रहा इस हाईवे पे। मैंने कहा अपनी टीम के मेंबर्स को बुलाइए आप, एंड 4 लोग चाहिए मुझे, और सूट वगैरह पहन के आए थे। मैं कपड़े चेंज करवाऊँगा, कैजुअल पहनाऊँ एंड जैसे मैं कहूँगा वैसे करना आपने, ठीक है। जितनी भी दुकान है ना यहाँ पे हाईवे पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 किलोमीटर का हाईवे है, जितने भी ढाबे वाले हैं, जितनी भी दुकान है, यहाँ पर आप लोग जाइए एंड जो कोल्ड ड्रिंक का नेम है, नेम में है नहीं लेने का, उस कोल्ड ड्रिंक को आप परचेज़ करने के लिए जाइए। आप पूछेंगे, दुकान वाले कहेंगे हमारे पास नहीं है, और 4 बंदे अलग अलग करके जाएंगे अलग अलग टाइम पे। अब उसकी डिमांड क्रिएट हो गई, दुकान वालों को लग रहा है कि ठीक है लोग उसको परचेस करना चाहते हैं, हमारे पास में नहीं है। अब आप जाके दुकान वाले से बात करिए और अपना सामान रखवा दीजिए, हो गया डिमांड एंड सप्लाई। एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पास्ट में आते थे, अब तो मैं किसी से बात करता नहीं हूँ। मैंने वॉल नंबर जो है अपना बंद कर दिया है, 5 सिम है मेरे पास, लेकिन मैं अभी किसी से बात नहीं कर रहा हूँ एंड क्योंकि मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है इतना। कंस्ट्रक्शन के लिए एक आए थे कि हमारे पास ये ज़मीन, ये जो है शहर के बीचों बीच यहाँ पे ज़मीन है एंड यहाँ पे हाईवे कटेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें परचेस करनी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो बिज़नेस करने के लिए पैसा थोड़ी लगता है, बिज़नेस करने के लिए तो 5वीं क्लास की 4थी क्लास की मैथ्स लगती है ना, वो आनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ से ख़रीदनी है, वहाँ बेचनी है, उसके बीच में आपको अपना मार्जिन बनाना है। ये बिज़नेस है, कोई भी कर सकता है ना, लेकिन कैसे करना है कैसे नहीं करना, किसी को हार्म ना हो उस तरीके से करना होता है। तो मैंने कहा ठीक है, जिसकी ज़मीन है उनके वहाँ के फार्मर्स को आप बुलाइए एंड उनसे बैठ के मीटिंग करते हैं, एग्रीमेंट करेंगे, जैसे मैं बताऊँगा वैसे करना। क्या ठीक है सर। और मैंने कहा कि ये जो ज़मीन है 20 करोड़ में आपसे हम परचेज़ करेंगे और जो पैसे हैं आपको 6 साल में देंगे, जो है किसान मान गए। ठीक है सर, एग्री। 20 करोड़ में डील पक्की, 6 साल में आप पर मंथ इतनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। मैं कहा ये रहा एग्रीमेंट। मैं कहा वो कचहरी से 500 रुपये का स्टैम्प पेपर मंगवाइए एंड जो भी मैं बताऊंगा वो लिखिए एग्रीमेंट में एंड ठीक है आप ज़मीन पे काम शुरू करिए। ठीक है, ज़मीन आ गई, अब आगे कैसे करें। मैं बताता हूँ, मेरा भी इसमें पैसा फंसा हुआ था, मैंने भी पैसा लगाया था उस टाइम में, पैसे के पीछे ज़्यादा भागता था, ठीक है, एंड नहीं थी इतनी नॉलेज मेरे को एंड किसी को हार्म कभी नहीं करा है। दैन उसके बाद कि अब क्या करें, ज़मीन आ गई, अब यहाँ पे मेट्रो लाइन आने वाली है, यहाँ पे हमको ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स और शॉप्स वगैरह बनानी है। अब ईंट कहाँ से आएंगी। मैंने कहा वो भी आ जाएंगी। मैंने कहा इस एरिया में जितने भी भट्टे वाले हैं उनके कॉन्टैक्ट निकालो और उनसे हम बात करेंगे। और मैंने डील करी, मैंने कहा ठीक है यहाँ पर हम एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे 20 फ्लैट की एंड उसमें से 2 फ्लैट आपके, अब पूरी सोसाइटी का जो ईंट है वो सप्लाई कर दो हमें, और 2 फ्लैट आपके नाम कर देंगे, एग्रीमेंट लिखवा लो, बनते के साथ ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लोहे वालों से डीलिंग करी एंड ठीक है काफ़ी टाइम से मैं इस बिज़नेस में था, डैड भी मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही थे एंड उसके बाद लोहे का अरेंजमेंट किया कि देन अब फिर कैसे करें, अब फंडिंग फिर नहीं आ रही एंड काम तो रुक गया है, और भी सामान है, पफ पैनल आने हैं एंड सीलिंग लगनी है, एल्युमिनियम विंडोज़ लगनी है, और बजटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा देखो मेन हेड ऑफिस मैंने आपका तैयार करवा दिया, इसका जो नक्शा है MDA से अप्रूव करवा दिया एंड मैंने जो भी है मैं सब मतलब कि जो भी लीगली पॉसिबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करता हूँ। एंड वो सब अप्रूव कराने के बाद मैंने कहा एक काम करो आप, फिर अब फंडिंग कैसे आएगी? मैंने कहा फंडिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, मैं बताता हूँ। अरे बताइए, मैंने कहा आप यहाँ पे ऑफिस में 3 लोग बिठाइए जो फ्लैट की बुकिंग करेंगे एंड एडवांस पेमेंट लेंगे कि 2 साल में फ्लैट तैयार हो जाएंगे, फ्लैट आपका हो जाएगा एंड एडवांस पेमेंट ले लो आप। ठीक है, क्या उसके बाद के बुकिंग इतनी जल्दी तो नहीं आने की? मैंने कहा रुक जाओ, बुकिंग तो सभी करवा रहे हैं ना, फ्लैट बेचने का तरीका तो यही है ना, ये मैं आप लोगों को बिज़नेस कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। एंड मैंने कहा ठीक है, अब एक काम करो आप एक पैम्पलेट जो है 1000 रुपये में 1000 पैम्पलेट छप जाएंगी एंड एक ऐड निकलवा दो अखबार में, 7000 रुपये का ऐड छपेगा। एंड ये कि एक फ्लैट हम लॉटरी में दे रहे हैं, ठीक है, एक नहीं बल्कि हम जो प्राइस है वो 5 लोगों को मिलेंगे एंड 2 लोगों को तो फ्लैट मिलेगा एक एंड तीसरे वाले को मिलेगा ये 50,000 रुपये, चौथे वाले को 20,000 और पाँचवें वाले को 10,000 रुपये। ठीक है ना, आप ये पैम्पलेट निकलवाओ और लकी ड्रॉ निकाल दो। एंड लकी ड्रॉ का ये है कि 1,00,000 रुपये आपको पर पर्सन लेने हैं और डीडी करवाना है उनका, RDFD नहीं DD करवाना है, और DD करवा के वो जो अमाउंट है वो अपने पास बैंक में जमा कर लो। एंड 100 लोग भी आ गए, 1 करोड़ रुपये आपके इकट्ठे हो गए एंड 200 लोग हो गए, 2 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए एंड 1-1 लाख के हिसाब से 1-1 लाख रुपये सबके जमा हो गए। अब जब लॉटरी का इनाम निकलेगा तो एक बंदे को फ्लैट मिल जाएगा एंड ठीक है, वहाँ से और फिर पैसा इकट्ठा करे कलेक्ट करके वो सोसाइटी जो है रेडी करके, एंड ऐसे ही बिजनेस होता है। तो बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं कि हाँ दशा ठीक नहीं चलती, इशूज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जिसको करना है वो कर ही लेगा ना। अब एक औरतें में भी 10 फ्लैट बना रखे हैं एंड सेल आउट नहीं हो रहे, टाइम ख़राब चल रहा होगा, आप देख के बताओ। मैंने कहा एक तो ये फ्लैट पूरे नहीं है, अगर फंडिंग के लिए कितना टाइम लगता है एक बार बताओ। आपके जो ये फ्लैट्स हैं, ये इन फ्लैट में से 10 फ्लैट में से एक की आप रजिस्ट्री कराओ अलग से। रजिस्ट्री करवाने के बाद मैं बैंक वालों का नंबर दे रहा हूँ, इनसे बात करो और उस पर लिमिट उठा लो 50 लाख की। 1 करोड़ की वैल्यूएशन तो है ना फ्लैट की, 50 लाख की लिमिट हो जाएगी एंड 50 लाख की लिमिट भी मत कराओ। 50 लाख की जो 50 लाख रुपये अकाउंट में आपने करवाए हैं, इसके अगेंस्ट इसकी आप FD कराओ और FD के अगेंस्ट लिमिट करा लो। बहुत तरीके हैं ना पैसा उठाने के, एंड जो लिमिट से पैसा आया है उस पर आप इंटरेस्ट बढ़ते हो, जितना निकालोगे उस पर देना पड़ेगा। अब अगर लोन उठाओगे तो केवल आपको लोन उठाने के बाद जो है किस्तें बन जाएंगी, लेकिन अगर आप लिमिट बांधोगे अपनी और लिमिट बांधने के बाद जितना पैसा निकालोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी आप वापस डालते रहो। थोड़ा सा अगर दिमाग यूज़ करोगे तो बिज़नेस के पीछे, आप कह रहे हो बिज़नेस के बारे में बताओ बिज़नेस कैसे करें, मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर द ईयर्स मैंने बिज़नेस करा है कैसे करा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन पैसे के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं चाहूँ मैं अभी भी बिज़नेस कर सकता हूँ एंड मैं किसी को भी कह दूँ मैं ये काम मैं करूँगा, कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है आपकी, मेरे को काम करना है एल्यूमिनियम का एंड ये सारा जो भी है, एंड कोई भी ये बिल्डर्स मेरे जानने वाले हैं पापा के थ्रू, डैड के थ्रू एंड मेरे थ्रू भी, एंड ऐसे ऐसे लोग मेरे पास हैं कि अगर वो कहते हैं कि आप काम बताइए, जितना पैसा आप कहेंगे 1 से 10 करोड़ रुपए तक जो भी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए हम कर देंगे। लेकिन मैं पैसे के पीछे भागता ही नहीं, मैं केवल बात करता हूँ एंड मेरे बात करने के पैसे हैं एंड मैं वो भी नहीं लेता किसी से, मैं जस्ट मैंने टाइम ही अपने लिए निकाला है। एंड मुझे पता है कि अभी मैं कोई बिज़नेस भी करूँगा तो मुझे सूट नहीं करेगा एंड टाइम अभी ठीक नहीं है, पैसा मेरा डूब सकता है, इसलिए मेरे को नहीं करना अभी बिज़नेस। और इतना पैसे के पीछे अगर आप भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत गंदी ठोकर खाओगे। एंड एक बात की और बात है, एक आए थे मेरे पास वकील साहब, कहे कि ये मेरे क्लाइंट, कह ये मेरे क्लाइंट हैं एंड इनकी जो है गाँव में ज़मीन फंस रही है, इतनी पता नहीं कितनी बताई थी, मेरे ख्याल से 25-30 बीघे ज़मीन फंस रही है एंड इतने करोड़ की बैटरी है और कब्जा कर रखा है एंड वो खाली नहीं कर रहे हैं एंड आप बताइए। और मैं कहा वकील साहब आप बताइए, मैं कहा पहले आप सब बात करो, जो आप बात कर रहे हो वो मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं अपना बताऊँगा। तो वकील साहब कह रहे कि ठीक है केस डाल देते हैं हम, काउंटर केस, एंड केस जो है कोर्ट का जब फैसला आएगा और यही आएगा कि खाली करवा दो एंड लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, ऐसे केसों में जो है टाइम लग जाता है। मैंने कहा आप एक काम करो ये आपका काम 20 दिन में हो जाएगा, मुझे क्या दोगे? मैं पुरानी बता रहा हूँ, मैं आप कुछ नहीं करता ऐसा, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर साइड हटा दो सारे, कुंडली की बात ही नहीं कर रहा मैं कि मैंने कहा आप मुझे क्या दोगे ये बताओ। कहते क्या लोगे? मैं कहा 2 लाख रुपये लूँगा, 20 दिन में आपका काम हो जाएगा, ज़मीन के पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि कैसे, मैं कहा वो सब छोड़ो आप, पहले आप पैसे रख के बात करो, ऐसे में बात नहीं करता किसी से, ठीक है। तो उनके साथ एक लड़का था, जवान, छोटा, गर्म खून, तो थोड़ा बदतमीजी से बोला वो कि ऐसे कैसे हम 2 लाख रुपए दे दें, हम नहीं दे रहे। मैं कहा बिल्कुल मत दो सर, जाइए। कह नहीं नहीं आप बताओ बताओ। मैं कहा 2 नहीं 2.5 लूँगा आप। कह रहे क्यों? मैं कहने बदतमीजी करी है ना। पहले मैं था ऐसा, मैं नहीं, मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ। पहले मैं पूरा राहू पे काम करता था, लेकिन अब मैं पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2.5 लाख चाहिए। कह रहा अब मैं कह जो ज़मीन है कब्जा रखी है ना, कागज़ थोड़ी गिरवी रखे हुए हैं इसके, कागज़ थोड़ी ना, एक तो कागज़ गिरवी भी नहीं है और दूसरी चीज़ कागज़ पे कब्जा भी नहीं है, एक कागज़ की कॉपी नहीं है। मैं कहा वकील साहब तहसील में जाओ, इसकी कॉपी निकलवाओ, इनके नाम रजिस्टर्ड है, एंड इस घर में जो सबसे ओल्ड बंदा है उसके नाम पे आप लोन करा दो इस ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के कागज़ रखवा के और लोन उठवा दो। सिविल ख़राब होगी, सबसे ओल्ड बंदा है, सिविल ख़राब होगी भी तो आगे लोन, की ज़रूरत नहीं है इस बंदे को, है ना। एंड जो है उसके बाद जो है बैंक मैनेजर को मैंने फ़ोन कर दिया। मगर ऐसे ऐसे बात है, पूरा क्लियर कट ऐसे ऐसे सीन है, एंड आप बताओ क्या लोगे, कैसे करोगे, इसको करवा दो आप काम। एंड उसके बाद बैंक अपने आप खाली कराएगा, जो रिकवरी एजेंट है बैंक और गवर्नमेंट अपने आप भेजेगी, समझ रहे हो ना। लेकिन वो सब करके फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। सुबह से शाम तक कॉल पे मैं लगा हुआ हूँ बिज़नेस के लिए, अब ये कर दो, एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, एंड कोई साइट कहीं पे है, कोई कहीं पे, पेट्रोल पंप बनने हैं, मॉल की कंस्ट्रक्शन होनी है, और शिकागो पिज़्ज़ा हो गया, इंटरनल के पेट्रोल पम्प्स हो गए, इन सब में 24 घंटे एक तो मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, रात को कौन जगता है? रात को बीमार, उल्लू, आशिक, ये सब लोग ही जगते हैं, और चौकीदार, है ना। और कंस्ट्रक्शन के काम में क्या सीन है जो मैं आपको बताऊं, कईयों को लोग ये कई लोग